आप यहाँ पे आके काफ़ी सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। के दिखेंगे फ्री ड्रॉप ऑटो, मतलब कि आप इसमें बैठ के फ्री में जा सकते हो रेस्ता। जी हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको लेके आ गया हूँ उर्दू ज़बान के अब तक के सब में बड़े इवेंट में, जो कि है जश्न रेख्ता, और ये लगा हुआ है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूँ कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो। तो बात करते हैं इसकी लोकेशन की। तो अगर आप जाना चाहते हो रेख्ता फाउंडेशन में, तो आप आ सकते हो सुप्रीम कोर्ट गेट नंबर 2 पे। ये सामने सुप्रीम कोर्ट है, गेट नंबर 2। अब यहाँ से बाहर निकल के बाहर जाना, वहाँ से आप ऑटो पकड़ के अब आप आराम से आगे मूव हो सकते हो। बाकी आपको मिल सकते हैं ऑटो वाले, जो कि आपको छोड़ देंगे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। ये आपसे पे करेंगे 30 रुपये। अब बाकी अगर आप बाहर निकलोगे, ये आपका है बस स्टैंड, तो आपको इस टाइप के दिखेंगे फ्री ड्रॉप ऑटो, मतलब कि आप इसमें बैठ के फ्री में जा सकते हो रेख्ता, आपके 30 रुपये बच जाएंगे। इन सभी के अलावा आपको नेशनल स्टेडियम बस स्टैंड पर आ सकते हो, वहाँ से आपको एकदम बराबर में ये आपका ध्यानचंद स्टेडियम। आप सामने देखो, सामने है पुराना किला, और ये रहा हमारा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। तो आप इससे भी यहाँ पे आराम से आ सकते हो। बाकी एंट्री करते ही आपको इस टाइप के फ्री ड्रॉप वाले रिक्शे भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको सीधा अंदर की तरफ छोड़ देंगे। बात करते हैं इसके टिकट की। जिसका टिकट है वो 300 रुपये का है। अभी इसकी वेबसाइट नहीं चल रही, लेकिन आप इसे स्कैन करके अपना टिकट को बाय कर सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो मेजर ध्यानचंद हैं, उनके बारे में 2-4 बातें ये है कि जो मेजर ध्यानचंद हैं, वो हमारे हॉकी के अब तक के सब में बेहतरीन प्लेयर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेडल भी जीते हैं। और दूसरा ये है कि जो हमारा स्पोर्ट डे होता है, जो कि हम मनाते हैं 29 अगस्त को, वो इनके जन्मदिन पर ही बनाते हैं। और तीसरा ये है कि जो हमारे भारत का सब में बड़ा खेल रत्न है, वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है। तो आप समझ सकते हो कि जो मेजर ध्यानचंद हैं, वो कितनी बड़ी हस्ती हैं। अब हम चलते हैं इसके अंदर। ये आप अंदर आके यहाँ से अपने पासेस को कलेक्ट कर सकते हो, अपने पास यहाँ से ले सकते हो। आपको इस टाइप का बैंड मिलेगा और आप वो बैंड ले सकते हो। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट नहीं करी, तब भी आप यहाँ पे आके बैंड को ले सकते हो, कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं होगी। 5-10 मिनट लगेंगे, आप ले सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि जश्न रेख्ता का मीनिंग क्या है। देखो, जो रेख्ता होता है ना, उसका मीनिंग होता है उर्दू, और आपका जश्न का मतलब हो गया सेलिब्रेशन। तो अगर हम इंग्लिश में इसका करें ट्रांसलेशन, तो इसका मतलब होगा सेलिब्रेशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। वैसे मैं इस वीडियो में ट्राई करूँगा कि मैं मोस्टली जो अल्फाज का इस्तेमाल करूँ, वो उर्दू के करूँ। अगर आपको ये चीज़ पसंद आती है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बतलाना। वैसे मैं आपको बता दूँ कि आप जश्न रेख्ता में आके उर्दू के मुतालिक काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हो, जैसे कि यहाँ की पोइट्री, लिटरेचर, ड्रामा, कव्वाली, मुशायरा, सब कुछ। मैं लास्ट ईयर आया था, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ थी, लेकिन आज काफ़ी भीड़ कम है, क्योंकि इसका टिकट 300 रुपये है। आपको यहाँ पर इस टाइप के दिख जाएंगे बहुत सारे स्टॉल, और उन सभी स्टॉल में होने वाला है प्रोग्राम। और सामने आप देख रहे हो सारी दुकानें हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे आके खा पी भी सकते हो। स्पेस का नाम है दियार इजहार। बाकी आपको इस टाइप का मिल जाएगा बैठने के लिए अरेंजमेंट। ये आपका स्टॉल है, यहाँ पे आके आप आराम से बैठ सकते हो। और सामने हो रहा है हमारा काउंसल। बाकी इधर काफ़ी सारी बुक्स भी हैं, जो कि हिंदी में हैं। अगर आप उर्दू को सीखना चाहते हो, तो इस टाइप की बुक्स को ले सकते हो। ये सारी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे उर्दू के स्टॉल भी लगे हुए हैं, जहाँ पे आके आप उर्दू के मुतालिक कोई सी भी बुक को ख़रीद सकते हो। ताकि यहाँ पे काफ़ी सारी आपके बुक्स देखने को मिल जाएंगी। ये कुलियात मीर, कुलियात अकबर, अशिका शायरी, लाजवाब गज़ल है, इस टाइप की, अहमद फराज, दीवान गालिब। और आपको पता ही होगा कि जो गालिब हैं, वो उर्दू शायरी के सबसे बड़े शायरों में से एक हैं। और जो गालिब है, उनकी एक हवेली भी है, जो कि दिल्ली में है। मतलब गालिब जो थे, वो दिल्ली में रहा करते थे। मैंने उसकी एक अलग वीडियो बना रखी है, मतलब गालिब की हवेली, वो आपकी चांदनी चौक में पड़ती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, वो भी आप वीडियो देख सकते हो। उसका मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर आपको इस टाइप के झूले भी दिख जाएंगे बच्चों के लिए, मतलब बच्चों के लिए झूले हैं। अगर आपके पास बच्चे अच्छे आते हैं, तब भी आप यहाँ पे आराम से आ सकते हो। मुझे गालिब का शेर याद आ रहा है कि ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। और अगर आपको उर्दू पढ़नी नहीं आती, तो आप उर्दू की जो शायरी है, वो हिंदी लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी आराम से पढ़ सकते हो। ये इंग्लिश की बुक है, जो कि उर्दू के शायरों को इन्होंने ट्रांसलेट कर रखा है। वैसे मैं यहाँ पर लास्ट ईयर भी आया था, उस टाइम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रौनक थी, क्योंकि उस टाइम यहाँ पर कोई टिकट नहीं था, फ्री था। लेकिन आज क्योंकि इसमें थोड़े पैसे भी हैं, उस हिसाब से यहाँ पर भीड़ भी कम है। और दूसरा ये है, इसको उस तरीके से सजाया नहीं गया जैसे कि लास्ट ईयर सजाया गया था। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी लास्ट ईयर वाली, वो भी आप देख सकते हो, उसका मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। एंट्री करते ही आपको दिख जाएंगे इस टाइप की शेर व शायरी। Thank you.
करूँ इसके टाइमिंग की, तो ये आपका 8 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक ये इवेंट चलेगा और आप यहाँ पे आ सकते हो सुबह 11 बजे से लेके रात के 9 बजे तक। और जितने भी इवेंट्स होते हैं ना उन सभी की टाइमिंग अलग अलग होती है, आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप भी इसकी स्क्रीन को देख सकते हो। बाकी आप ये देखो ये लगी पूरी लाइन लगी है चाय पीने वालों की, यहाँ पे जो चाय है वो है 100 रुपये की। और आप यहाँ पे आके काफ़ी सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, ये आपकी शर्ट है, ये आपका फ्रेम है जॉन एलिया का, आपकी शर्ट भी आप यहाँ पर आके आप ले सकते हो। हंगामा, ये रेखता वर्ल्ड, ये आपका एक टाइप का म्यूजियम है जहाँ पे आप देखोगे ओरिजिनल जितनी भी रह चुकी है लिटरेचर उन सभी डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि ये है आपका, ये इसकी ओरिजिनल कॉपी है, दीवाने गालिब भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये अपनी रेखता पब्लिकेशन, यहाँ पे आपको देख देंगे इस टाइप की बुक्स, ये हिंदी में है लेकिन आप चाहो तो उर्दू में भी ले सकते हो। बाकी आप यहाँ पे देखो आप इधर आके इस टाइप के कपड़े ले सकते हो जिसमें उर्दू लिखी रहती है, ये काफ़ी अमेजिंग लगता है। इनके क्या प्राइस होंगे वैसे? 1200 ओके, 1200 के सारे आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे आके आप इस टाइप के ले सकते हो थैले जहाँ पे की गई है नक्काशी, ये गालिब, योन एलिया, ये अल्लामा इकबाल। वही यहाँ पे आने के बाद आप इस टाइप के ले सकते हो शॉल्स, ये शॉल से इन सभी के प्राइस वेरी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे होती है कैलीग्राफी इस पूरे पोर्शन में। और इन सभी के अलावा अगर आप यहाँ पे आती हो तो आप यहाँ पे कुछ भी खा भी सकते हो, मतलब यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये है अपनी दौलत की चाट, ये है अपना बस में ख्याल, चलते हैं इसके अंदर देखते हैं इसमें क्या है। ये हर तरह के मौसम लिखा जा रहा है, फनी तो मतलब असल भी आते। बाकी आप यहाँ पे आके पी सकते हो चाय कॉफ़ी कुछ भी, इनके प्राइस यहाँ से देख सकते हो। भाई ये है अपने टुंडे कबाब, बाकी इसका मेन्यू पहले ये देख लो, देखते हैं कहाँ कहाँ लगाइए। इस पूरे में आपके लगे हुए खाने के स्टॉल, यहाँ पर चंगेजी मिल जाएगा, खाती रेस्टोरेंट और सारे यहाँ पे नॉन वेज मोस्टली आपको देखने को मिलने वाला है, बाकी वेज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दो नंबर बिरयानी। बाकी अब ये देखो ये कड़क रुमाली, नेक्स्ट ऑर्डर। अच्छा इनके प्राइस यहाँ से देख सकते हो। यहाँ मिल जाएगा आपको नॉन वेज टाइप का कि चाट समथिंग है, ये है अपनी बिरयानी दिल्ली की, बाकी ये अपना जहरा फूड है भाई लगाने धार, ये इसका मेन्यू। तो भाई यहाँ पे वैरायटीज काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप यहाँ पे बैठ के आराम से खा सकते हो, फिर रात का समय हो रहा है। भाई इंडिया में रहके अरब वाले खा लो कबाब, बाकी से कुल्फी भी है। थैंक यू, प्राइस आप यहाँ से ले सकते हो। भाई यहाँ पे आने के बाद आप पिज़्ज़ा भी आराम से ले सकते हो, प्राइस सामने देख लो, बाकी ये बन रहा है। जब आप इस सारे पोर्शन में घूमोगे ना तो आपको एक अलग ही तरह की खुशबू आने वाली है, मतलब आपके पहले स्टोर से लेके पूरा घूम लोगे तो हर जगह एक बहुत ही लजीज खुशबू आपको सूखने को मिलेगी, ये आपके लिए जन्नत है अगर आपको नॉन वेज लवर। बाकी इधर आके आप इस टाइप के फ़ोटोज़ भी क्लिक करवा सकते हो। भाई ये है अपना सुखरे ज़ार,
जहाँ पे अभी कुछ भी नहीं हो रहा, मोस्टली यहाँ पे कम ही परफॉर्मेंस हुआ करेंगे। बढ़िया था, लेकिन इस बार का जो रेखता है ना वो थोड़ा कम बढ़िया है। मतलब यहाँ पे एक तो साउंड क्वालिटी नहीं है, यहाँ पे जो हो रहे हैं कॉन्सर्ट उसकी साउंड अच्छी नहीं है, और दूसरा ये है यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से नहीं किया गया डेकोरेट जैसे कि लास्ट ईयर किया गया था। तो भी अगर आपने मेरी लास्ट ईयर की वीडियो नहीं देखी वो भी आप देख सकते हो, उसका मैं लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। भाई आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। जय हिंद।